आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखने के लिए। एक दिवसीय सत्यग्रह आपने आवाज पर रखा, आखिर क्यों? धन्यवाद। ये एक दिवसीय सत्याग्रह नहीं है, यह सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि आज देश की आम जनता लॉकडाउन से परेशान हो चुकी है। लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं, कारण है कि किसी भी बीमारी का संबंध पहले रुपया से होता है, डॉक्टर से, दवा से, नर्स से, कंपाउंडर से और अस्पताल से होता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर एक व्यक्ति बीमार है तो एक व्यक्ति को ही बेड रेस्ट यानी होम क्वारंटाइन किया जाता है, उसके पूरे परिवार को नहीं किया जाता है। मान लीजिए 125 करोड़ इस देश की आबादी है, अगर 1 करोड़ लोग बीमार हैं तो पूरे देश को बेड रेस्ट या लॉकडाउन में क्यों डाला जाएगा? आज लॉकडाउन के कारण आधी आबादी बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुकी है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, और जब रुपया नहीं रहेगा तो वो इलाज या घर परिवार चलाने का काम कैसे करेगा? वहीं सरकार में जो लोग हैं बिना काम किए वेतन उठा रहे हैं, और जो लोग आवश्यक सेवा के काम में लगे हुए हैं मोटी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो वैसे में हमारी सरकार से मांग है कि लॉकडाउन कोरोना का या किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। आप सहानुभूति पूर्वक जो लोग आज बेरोजगार हैं उन पर सोचिए, और लॉकडाउन को हम रोजगार बंदी कहते हैं, इसको आप वापस लीजिए और बिहार में बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि आज सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था न होने के कारण लोग दर दर भटक रहे हैं, मर भी रहे हैं, और जो प्राइवेट अस्पताल है वह मोटी मुनाफा मतलब रुपये की वहाँ पर नोचा नोची लगा हुआ है, सरकार के सब आँख के सामने हो रहा है। इसलिए सादर निवेदन पूर्वक मेरा बिहार के सरकार से निवेदन है कि आप तमाम लोगों को कमाने खाने का मौका दीजिए, लॉकडाउन को वापस लीजिए, और लॉकडाउन से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दीजिए। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वाभिमान पार्टी।